बाबा दर्शन न्यूज काराकाट लोकसभा में जिस तरीके से ऐसे ऐसे लोग को उतारा जा रहा है, और पवन सिंह एक ऐसा नाम है, शुरू से ही उनका नाम जो है चर्चाओं में था, आसनसोल में टिकट मिला था, उन्होंने टिकट वापस कर दिया, लास्ट में कितने लोगों ने लॉलीपॉप दिया लेकिन उन्होंने उस लॉलीपॉप को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके मन में था कि काराकाट की जनता की सेवा करना है, काराकाट के लोगों के बीच जाकर, उनके बीच जाकर अपने को प्रेजेंट करना था कि मैं कौन हूँ। और आज वो देखने को मिल रहा है, उनके कुछ समर्थक हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। बताइए क्या स्थिति रहे? स्थिति तो बहुत बढ़िया, आप लोग मीडिया के लोग, आप लोग घूम रहे हैं तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, स्थिति तो देख रहे हैं कि कहीं कोई है ये नहीं। उसका कारण ये है कि हम लोग हर जात हर धर्म के में घुसे हुए, हर जात हर धर्म का लोग हम लोग साथ हैं, इसलिए कोई हम लोग सामने नहीं। आठवीं सूची वाला जो मुद्दा है, आखिर उनको, हाँ अगर मान लेते हैं कि वो संसद बन गए, मालिक करे संसद बन गए, तो वो इस मुद्दे को उठाएंगे? आप बिल्कुल उठाएंगे, और उठाएंगे ही नहीं, पूरा प्रयास रहेगा कि 5 साल के टेन्योर में किसी न किसी सेशन में भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करा कर रहेंगे। इससे सवाल है कि यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा मंत्री थे 5 साल, लेकिन जनता के बीच में है कि वो कभी इधर आए नहीं, उसका क्या? जिसका चरित्र और विचारधारा, चरित्र और विचारधारा समझते हैं ना, और दुविधा वाली हो, 14 में आए थे मोदी जी का फोटो लेकर, जीते, मंत्री बने, शिक्षा विभाग मंत्री बने, और काराकाट लोकसभा में एक केंद्रीय विद्यालय नहीं है, 19 में आए तेजस्वी जी का फोटो लेकर, हार कर गए, उसके बाद फिर काराकाट देखने नहीं आए, फिर चुनाव लड़ना था तो आए। शेरशाह कॉलेज था वो चला गया खड़ारी में, और खुद ये मंत्री थे, क्या कहें? ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये तो काराकाट की जनता को सोचना है, जो थोड़ा बहुत जनता लोग हैं उन लोगों के साथ, उन लोगों को सोचना है उस व्यक्ति में पवन सिंह में क्या अंतर है। कुछ लोग कल मोदी जी के कार्यक्रम में थे, और लौटने के बाद कहे कि यही उपेंद्र जी हैं जो कभी पंखा और कभी सिलेंडर, तो अब की सिलेंडर जो है हटा दे, इस बार सिलेंडर जो है पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाएगी, और एक बार काराकाट की जनता हम लोगों को मौका दे, और पवन में काराकाट की जनता हो गई है, बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लोगों का कहना है कि जो आठवीं सूची का मामला है भोजपुरी का, वो अगर पवन सिंह को आशीर्वाद देती है काराकाट की जनता, तो अवश्य इस बात को उठाया जाएगा लोकसभा में, और काराकाट की जनता चाहती है कि पवन सिंह चुनाव जीते, जिस तरीके से माहौल बना हुआ है। कहेंगे पवन सिंह के बारे में काराकाट में, जो पवन सिंह के बारे में बोलना क्या है, जनता तो बोल ही रही है, और जिस हिसाब से लहर है, इस लहर में तो हमारे मोदी जी का भी लहर फैल रहा काराकाट लोकसभा में, जिस हिसाब से हमारे बूढ़ बुजुर्ग और साथ ही साथ हमारे नौजवान जो आशीर्वाद दे रहे हैं, हम सभी जनमानस का हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे जो टीम है जिनके सहयोग भरपूर है, हमारे पवन भैया के प्रचार में हम लोग लगे हुए हैं यहाँ। पवन भैया जीत रहे हैं यहाँ से चुनाव, काराकाट में पवन भैया चुनाव चुनाव बिल्कुल जीत रहे हैं, 2-4 लाख वोट से पवन भैया चुनाव जीत रहे हैं। काराकाट में पवन भैया का इतना जनसैलाब है कि मतलब आकलन करना मूर्खता है, समझ जाइए। इनका जो है जो यहाँ रिपोर्टिंग है, आप जाके प्रचार वहाँ लीजिए जहाँ मतलब पवन भैया के लिए प्रचार सारे लोग कर रहे हैं, जनता मतलब बस पवन ही पवन खोज रहा है, पवन जय पवन तय पवन। काराकाट में पवन सिंह बहुत मजबूती के साथ चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बस यकीन आ रहा है जय पवन तय पवन, पूरा काराकाट की जनता यही है। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से हर तबके के लोग, हर जात के लोग, हर जमात के लोग, जो नौजवान है काफ़ी उत्साहित है। हाँ बहुत उत्साहित है, ऐसा सांसद यहाँ पहली बार आ रहे हैं, और ये बहुत अच्छी की बात है, और बहुत अच्छा बात है कि हम लोग के यहाँ पावर स्टार आए हैं,
इसमें कोई ये नहीं है। यहाँ जितने यहाँ पहले के जितने भी सांसद थे वो यहाँ कुछ भी नहीं किए हैं, यहाँ कुछ भी नहीं किए हैं, इस वजह से यहाँ अगर कुछ किए होते, यदि कुछ किए होते तो ऐसा दिन आता है जो उनके विरोध में उपेंद्र कुशवाहा जी हैं जो आज रोड पे चारों तरफ घूम रहे हैं, उनको क्या जरूरत थी घूमने की? महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं क्या जरूरत थी घूमने की? आज पवन सिंह का ऐसा क्या हुआ कि पवन सिंह को आना पड़ा काराकाट में? कल हमने देखा कि जितने भी कैबिनेट के मंत्री हों या कैबिनेट के विधायक हों सारे के सारे राजपूत समाज के काराकाट जी इसलिए आए हुए कि पवन सिंह राजपूत हैं, ठीक, उनको पता है कि यदि किसी को बैक करना है तो इसलिए उनको राजनाथ सिंह को बुला रहे हैं, बहुत आले दर्जे के नेताओं को बुला रहे हैं, जेपी नड्डा को बुला रहे हैं, और उन लोगों का प्रोग्राम जानबूझ के काराकाट में रखा जा रहा है। बाकी और भी अभी मतलब सातवां चरण होना है, सबको हर जगह जाना है, लेकिन बस काराकाट में आए हैं पवन सिंह को डिस्टर्ब करने के लिए, चुनाव हराने के लिए, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। पवन सिंह आने से चुनाव जीतने जा रहे हैं। पवन सिंह यहाँ 2,00,000 वोटों से जीत रहे हैं और जब पूरा काराकाट पवन में हो गया है और जब कैबिनेट के लोग आएंगे उससे कोई फर्क नहीं है, वो तो भीड़ भाड़े पे जुटा रहे हैं, उनके पास आदमी कहाँ है, कहीं जनसैलाब है उनके साथ, और पवन सिंह के साथ तो रातों दिन आदमी इसी तरह लगा हुआ है, निस्वार्थ भाव से लगा, कोई इनसे लाभ नहीं है, बस निस्वार्थ भाव से लगा हुआ है कि जितना तो भाड़े पे आदमी लेके आए हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्ला खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।